हजरत सय्यदी मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम की जो मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ थी, अपनी उम्मत के साथ है। फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम का दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया, वक्त अखीर है, हजरत सय्यदुना जिब्रील अमीन अलैहि सलाम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुजारिश लाया, एक दरख्वास्त है, आका उसको कबूल फरमा ले। फरमाया जिब्रील क्या चाहते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हजरत सय्यदुना ईसा अलैहि सलाम दुनिया में आए थे, तकरीबन 550 साल पहले वो आए थे, उनको मौत नहीं आई, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, बर रफअहुल्लाहु इलैहि, वो आज भी अपने जिस्म के साथ आसमानों में मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, सारे फरिश्ते हजरत ईसा से मुलाकात करते हैं, उनसे फैज हासिल करते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं, या रसूल अल्लाह हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और फरिश्तों की ये तमन्ना है, अब तक तो हजरत ईसा रूहुल्लाह से फैज हासिल किया, हुजूर आपका जिस्म भी हम आसमानों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हजरत रूहुल्लाह से फैज हासिल किया, अब हबीबुल्लाह का फैज हासिल करें, आपके जिस्म पाक को हम आसमानों में ले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये तुम कह रहे हो? कहा कि नहीं आका, एक मैं नहीं, सारे फरिश्ते यही चाहते हैं, मलाइका मुकर्रबीन भी यही चाहते हैं, सारे आसमानों के फरिश्तों की भी यही तमन्ना है, हमलाए अर्श की भी यही तमन्ना है, आसमान के एक जिब्रील नहीं कहता, एक मैं ही नहीं, तुम पर कुर्बान जमाना है, सारे फरिश्ते यही चाहते हैं आका, कि हर एक की तमन्ना है कि आप आसमानों पर तशरीफ ले जाएं। हुजूर ने इनकी दरख्वास्त को सुना और सुनकर फरमाया, जिब्रील तुम चाहते हो, ये तमन्ना जिब्रील की है, यही मीकाईल और इसराफील और इसराइल की और सारे फरिश्तों की यही तमन्ना है, लेकिन जरा ये बताओ मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरे रब की क्या रजा है, मेरा रब क्या चाहता है? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आ रहे थे अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरे हबीब के पास जाकर ही हम अर्ज करने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि हुजूर आपको हम आपके जिस्म के साथ आसमानों पर ले जाएंगे। अल्लाह फरमाया, जाओ अर्ज करो, जो तुम्हारी तमन्ना है कह दो, दो जो तुम दरख्वास्त करना चाहते हो कहो, लेकिन जिब्रील इतना याद रखना, जब तुम अपनी तमन्ना का इजहार करोगे, अपनी ख्वाहिश को उस दरबार में रखोगे, तो याद रखो मेरा हबीब यही फरमाएगा, तुम ये चाह रहे हो लेकिन बताओ मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरा हबीब ये पूछेगा कि अल्लाह की रजा क्या है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने हमें पहले ही से पाबंद करके भेजा कि जब तुम ये दरख्वास्त करोगे तो मेरा हबीब खुदा की रजा पूछेगा, तो मेरे मुस्तफा से कह देना कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रजा क्या है जानना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है, प्यारे जो तुम्हारी रजा है वही खुदा की रजा है, जो तुम चाहते हो वही अल्लाह चाहता है। फरमाया, जो आपकी रजा है वही अल्लाह की रजा है, कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपकी रजा है वही खुदा की रजा है, अल्लाह भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ठीक है, अगर अल्लाह ने यह मामला मेरे हवाले कर दिया है और अल्लाह ने ये इसको मेरी सवाबदीद पर छोड़ दिया है,
तो जिब्रील जरा ये बता, मेरे जिस्म को तू आसमानों पर तो ले जाना चाहता है, लेकिन बता मेरी उम्मत जब इंतकाल कर जाए तो उनके जिस्म कहां रहेंगे, उनको कहां रखोगे, क्या उनको भी ले जाओगे आसमानों पर? कहा कि नहीं हुजूर, हम आपको ले जाना चाहते हैं आपके उम्मत का। कहा मेरी उम्मत कहां रहेगी? कहा कि उनके रिश्तेदार आएंगे मरने के बाद, एक गड़ा खोदेंगे, कब्र में यही डाल के चले जाएंगे। कहा जिब्रील कब्र में डाल के जाएंगे, कब तक? वो कब्रों में कब तक रहेंगे? कहा कि कब्रों में रहेंगे इला यौमिल कियामा, कियामत तक कब्रों में रहेंगे, कियामत तक कब्रों में रहेंगे, उस दिन अल्लाह उनको कब्रों से फिर दोबारा उठाएगा। क्या कियामत तक इसी जमीन के अंदर यहीं पर उनके जिस्म दफन रहेंगे? कहा उसके बाद कहा जिब्रील मेरी उम्मत की अजसाम तो यहां जमीन में दफन रहे और तुम चाहते हो कि मेरा जिस्म आसमानों पर ले जाए। जाओ फरिश्तों से कह दो मेरी रहमत इस बात को गवारा नहीं करती कि मेरी उम्मत की अजसाम जमीन के अंदर कब्रों में रहे और उनके नबी का जिस्म आसमानों पर ले जाया जाए। जाओ उनसे कह दो अगर मेरी उम्मत कब्रों में रहेगी, मैं आसमानों पर आने वाला नहीं, मैं भी कब्र में रहूंगा। अगर वो कियामत तक कब्र में है, उनका नबी भी कियामत तक अपनी कब्र में रहेगा। इस मोहब्बत को देखकर, इस करम को देखकर फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, ये कौन सी मोहब्बत है, ये करम का कैसे अंदाज है कि जन्नत के दरवाजे खोलकर जन्नत आपका इंतजार कर रही है। जहन्नम की आग बुझाया मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए, या रसूल अल्लाह फरिश्ते पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं, पुराने बहिश्त आपके इंतजार में है, सब फरिश्ते आपके दीदार के मुतमन्नी हैं। या रसूल अल्लाह हम आपको अर्श का मेहमान बनाना चाहते हैं, और आप फरमाते हैं कि कब्र में मैं रहूंगा, इसी जमीन पर रहूंगा, हम आपको अर्श पे ले जाना चाहते हैं, फरिश्तों के दरमियान मलाइकाए मुकर्रबीन के दरमियान ले जाना चाहते हैं। कहा नहीं, जो तुम अपनी ख्वाहिश अपनी जगह रखो, मैं वहां आना नहीं चाहता। और ये भी याद रखें मुस्तफा अल्लाह के कुर्ब में पहुंचने के लिए आसमानों पर जाने की जरूरत नहीं है, वो जमीन पर भी है तो खुदा के करीब है, वो आसमानों पर भी है तब भी खुदा के करीब है।